हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करते हैं तैयारी में कोई कमी नहीं आ रही होगी आनी भी नहीं चाहिए पेपर बहुत नज़दीक है अब आपने बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है ठीक है इंडियन पॉलिटी का एम लेक्चर नंबर टू है लेक्चर नंबर वन में पांच क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेनली क्वेश्चन जो थे डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल uh, बॉरोइंग से रिलेटेड और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉरोइंग्स हमने कवर कर ली थी ये वाला जो वीडियो है इसमें हम मेनली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके प्रीएम्बल से right. तो कुछ आठ क्वेश्चंस हैं जो प्रीएम्बल से डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल के इस वीडियो में आठ क्वेश्चंस के ऊपर अपना फोकस रखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल सा क्वेश्चन है ठीक है अब मैंने आपको बता दिया कि हम प्रियम्बल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो शायद आप इसका आंसर कह दो सर प्रियम्बल ही है लेकिन कई बार जब पेपर में देखते हैं ना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं और जनरली कन्फ्यूजन हमें चारों ऑप्शन में नहीं होती कन्फ्यूजन हमें मेनली होती है पहले तीन ऑप्शन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम ईजिली uh, जो है एलिमिनेट कर देते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी शायद इतना ना हो लेकिन फंडामेंटल राइट्स और पेम्पल में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है तो माइंड ऑफ द मेकर्स फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द माइंड ऑफ द मेकर्स तो उस केस में हमने प्रियम्बल करना है और इस क्वेश्चन का लेवल जो है हम वेरी ईजी में रखेंगे ठीक है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये आपने स्कोर करके आना है इसमें इसको नहीं आपने छोड़ना ठीक है आंसर ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू हेव अ प्रियम्बल वेरी बेसिक क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चन ठीक है वेरी बेसिक क्वेश्चन और इसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रियम्बल का कंसेप्ट भी लिया है अब तो आपको हिंट मिल गई है मैंने आपको क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बोरोइंग्स करा दी हैं तो प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है प्रियम्बल हमने लिया है कौन से कंट्री से अमेरिका से ठीक है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल प्रोवाइड कराया था ठीक है जिसके जिस कॉन्स्टिट्यूशन जिस में प्रियम्बल था ठीक है अच्छा एक यहां पर और चीज यहां पर ध्यान रखना फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और माइंड ऑफ द तो आ गया एक और यहां पर पूछा जाता है एक और यहाँ पर टर्म यूज की जाती है प्रीफेस प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जैसे आपकी किताबों का प्रीफेस होता है ना किताब शुरू होने से पहले एक प्रीफेस लिखा होता है उसमें किताब के बारे में आपको बताया हुआ होता है कि किताब का क्या ऑब्जेक्टिव है और राइट क्या सोच करके किताब लिखी गई है एंड ये सब बातें तो सिमिलरली फिलॉस जो आपका प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल पढ़ के आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा किन चीजों के बारे में जो है आपको प्रोविजन मिलेंगे और तो इसलिए इसको प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है अगर ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो आपने आंसर इजीली प्रियम्बल कर देना है ठीक है जी चलिए ओके द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगेन विद द प्रियम्बल मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्री फेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये मैंने आपको बता ही दिया है इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट right. तो अगर आपसे पूछा जाए बीच ऑफ द द फॉलोइंग इज एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये टर्म आपसे पूछ लेगी, बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये सारे के सारे आंसर आपके प्रियम्बल हो, अलग अलग वे में अलग अलग एग्जाम क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं ये सब ठीक है थर्ड क्वेश्चन अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन Which eminent jurist and constitutional expert called the preamble to the Indian Constitution as identity card of the Constitution? Identity card of the Constitution किसने बोला था preamble को Ivor Jennings, Sir Ernest Becker, एन ए पालकी वाला या फिर के टी शाह वंस अगेन पढ़ा है तो आंसर है नहीं तो डब्बा गुल है आंसर इसमें क्या होगा एन ए पालकी वाला देखो किताबों में काफ़ी सारे जो है थिंकर्स ने कुछ ना कुछ कोड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं ठीक है थीके? वो सारे कहीं ना कहीं मैंशनड है जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई कॉपरेटिव फेडरलिज्म जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो ये बहुत ज्यादा टर्म यूज हुआ था उस समय पर कॉपरेटिव फेडरलिज्म का तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म टर्म किसने दिया ये आपका होमवर्क है ये आपका होमवर्क है आपसे सीधा सीधा पेपर में पूछ लेंगे कि हु गेव द टर्म कॉपरेटिव फेडरलिज्म विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज द कॉपरेटिव फेडरलिज्म ओके तो सीधा क्वेश्चन आपने होमवर्क में पता करके ये कमेंट सेक्शन में जो है बताना है कि कौन था जिसने कॉपरेटिव फेडरलिज्म बोला था ठीक है चलिए फोर्थ क्वेश्चन द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल एक्सप्रेसिस ठीक है जस्टिस अब आपने प्रियम्बल देखो प्रियम्बल से रिलेटेड एक चीज आपको मैं बता दूं आपको प्रियम्बल रटा हुआ होना चाहिए इसके हर वर्ड के ऊपर क्वेश्चन बनता है हर वर्ड के ऊपर क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो पता होना चाहिए तो सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस जस्टिस किसका है सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विच काइंड ऑफ जस्टिस है प्रियम्बल में तो आंसर इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन सी जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एज वेल एज पॉलिटिकल लेना है ठीक है पीपल ऑफ इंडिया अ सॉबरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये वर्ड्स के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अभी देखेंगे आगे ठीक है अब देखो एंड सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन जस्टिस जस्टिस देने की बात कर रहा है प्रेमबल ठीक है किस तरह का जस्टिस तो तीन लेवल्स ऑफ जस्टिस की ये बात कर रहा है सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल एज पॉलिटिकल जस्टिस तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ठीक है अब जैसे क्वेश्चन था पीछे अगर आप दोबारा जाओ तो जस्टिस पूछ लिया कि द तो वो मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल एक्सप्रेसिस तो जस्टिस इज एक्सप्रेसिंग सोशल इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल जस्टिस सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है कि लिबर्टी क्या एक्सप्रेस कर रहा है तो आप कह दोगे इट इज एक्सप्रेसिंग लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप याद होनी चाहिए ये आपको पांचों वर्ड्स थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप इक्वेलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेलिटी स्टेटस एंड ऑपरचुनिटी ठीक है फ्रेटर्निटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्निटी फ्रेटर्निटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल

कहा से हमने ये जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का जो है कंसेप्ट लिया है ठीक है तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रशियन रेवोल्यूशन देखो जब हम बोरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो जनरली किताबों में लिखा होता है यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है लेकिन मेन ये आइडिया था रशियन रेवोल्यूशन का जिसको फिर यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था तो आपसे रशियन रेवोल्यूशन भी हो सकता है ऑप्शन में और यूएसएसआर भी हो सकता है तो दोनों -दो चीजों के लिए आपने जो है तैयार रहना है ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म इज नॉट यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन सेकेंड प्रियम्बल अगर अच्छे से याद है उसकी सारी टर्म्स याद है तभी इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर सकते और इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारी टर्म्स है प्रियम्बल में कोई भी चार उठा देंगे चार उठा के डाल देंगे तीन उनमें से सही होगी एक गलत होगी बन गए क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन बनाने की कमी नहीं है यूपीएससी के पास तो ियम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड यूज नहीं किया गया है रिपब्लिक इंटेग्रिटी फेडरल या फिर सोशलिस्ट कौन सा वर्ड नहीं है अभी अगर आपने ध्यान से मेरा पूरा प्रियम्बल देख लिया हो तो आप इसका आंसर इजीली कर दोगे आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी फेडरल फेडरल वर्ड कहीं पर भी नहीं है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड नहीं मिलेगा आपको ठीक है क्योंकि इंडिया क्या है इंडिया इज यूनियन दो हम कहते हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर हैं सेंटर है स्टेट्स हैं स्टेट्स के पास अपनी पावर्स हैं सेंटर के पास अपनी पावर हैं पर हमारे यहाँ पर सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉग है और फेडरल वर्ड नहीं यूज़ किया किया गया इसके लिए बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशेंट असेंबली में बोला भी था कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरलिज्म है वहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल हैं यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय स्टेट्स यू कैन नॉट चेंज द एरिया ऑफ स्टेट यू कैन नॉट चेंज द बाउंड्री ऑफ स्टेट यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द स्टेट और यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी स्टेट्स हैं हर स्टेट के पास राइट है अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ से अलग होना चाहते हैं अमेरिका से अलग होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश स्टेट था उसको आपने तोड़ के तेलंगाना बना दिया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसका आपने स्टेटहुड खत्म करके दो यूनियन टेरिटरीज बना दी तो स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है आप स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो उनकी टेरिटरी चेंज कर सकते हो उनके नेम चेंज कर सकते हो और किसी भी स्टेट के पास अधिकार नहीं दिया है हिंदुस्तान में कि वो हिंदुस्तान से अलग हो सके कल को तमिलनाडु केरला पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उठ के ये नहीं कह सकते कि हमें हिंदुस्तान से अलग होना है ठीक है इसीलिए हमने फेडरल वर्ड का कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया चाहे वो प्रेम्बल हो चाहे वो मेन टेक्स्ट हो ठीक है जी तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा ठीक थी, है आप कॉन्स्टिट्यूशन इसको ध्यान से पढ़ लो कहीं पर भी आपको फेडरल वर्ड नहीं मिलेगा बाकी के तीन वर्ड जो थे रिपब्लिक इंटेग्रिटी और सोशलिस्ट वो आपको मिल जाएंगे ये रहा रिपब्लिक इंटेग्रिटी एंड द सोशलिस्ट वर्ड इज ऑल्सो हेयर ओके चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन

अब सबसे पहले ये वाला पॉइंट तो हम क्लियर कर ही चुके हैं पहले भी देख चुके हैं फिलोसफी इज इन इन इट्स प्रियम्बल तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन टू नहीं है पहले तो वो उड़ जाएगा ठीक है ये खत्म हो गया अब अपने पास तीन ऑप्शन बचते हैं ठीक है पहला कहता है कि इट रेस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ बाय द स्टेट बिल्कुल सही पावर बाय द स्टेट रेस्ट्रिक्ट करता है अब फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है फंडामेंटल राइट्स में लिख दिया कि भाई इक्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि कल को स्टेट उठ करके कह दे कि प्रधानमंत्री ने किसी का खून कर दिया चाकू मार दिया तो प्रधानमंत्री को जेल नहीं हो सकती कह दिया सब बराबर है ठीक है तो इक्वालिटी है सबके लिए फंडामेंटल राइट्स दे दिए तो एक तरह से स्टेट की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई और भी बहुत सारे प्रोविजन है जिससे स्टेट की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है ठीक है जी उसके बाद एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन अब जितने देश आजाद हुए इंडिपेंडेंस जिन देशों को मिली दो 200 दो 300 तीन साल की गुलामी के बाद तो एक तरह से ये जो देश थे इन्होंने अपने संविधान बनाए और ये एक पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन एक आत्मनिर्भरता की ओर जो है इन्होंने कदम बढ़ाया और कॉन्स्टिट्यूशन भी आत्मनिर्भरता को ध्यान रखते ही जो है फ्रेम किए गए और राइट right, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री ठीक है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ये एक्सप्लेनेशन है स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से वही चीजें हैं जो मैंने बोली हैं तो इसमें ज्यादा हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अब पर दोबारा से चलो सॉरी लास्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है पहला जो आपका प्रियम्बल है इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज ड्राफ्टेड एंड मूवड बाय जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है दूसरा इट वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर द ऑफ द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सारा पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करने के बाद बनाने के बाद उससे पहले सॉरी उससे पहले जो है ये बनाया गया था ऐसा ये स्टेटमेंट में लिखा है तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है तो आंसर क्या होगा चलिए आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन ए वन ओनली पहला स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है ठीक है जी तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिसंबर 1946 में और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को असेंबली ने अडॉप्ट uh, कर लिया था एंड फाइनली जब प्रियम्बल को फ्रेम किया गया तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स के ऊपर उसको फ्रेम किया गया था ठीक है क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है सा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने पेश किया था तो आप कह दोगे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था ऑलराइट और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट क्यों है क्योंकि प्रियम्बल को पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था पास हो चुका था उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया था और और एनेक्ट किया गया था इसका कारण क्या था ताकि देखो पहले आपने पहले आप किताब लिखोगे उसके बाद उसका प्रीफेस लिखोगे क्योंकि आपको पता चल गया कि अब आपने किताब में क्या लिखा है ठीक है पहले आपने प्रीफेस लिख दिया और किताब लिखते लिखते जो प्रीफेस में आपने बातें लिखी उनमें से कुछ अलग आपने किताब में लिख दिया तो पंगा हो जाएगा लफड़ा हो जाएगा सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन पहले पूरा बना लिया और फिर प्रियम्बल को फ्रेम किया ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो और प्रियम्बल जो है कन्फर्मिटी में आ सके एक लाइन में आ सके नहीं तो प्रियम्बल कुछ और, और कुछ और बोल रहा होता कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोल रहा होता तो अच्छा नहीं लगता ठीक है ना तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना एनेक्ट हुआ उसके बाद प्रियम्बल बना करके एनेक्ट किया ठीक है हालांकि प्रियम्बल को यूज हम सबसे पहले करते हैं किसी भी किताब का प्रीफेस भी है वो सबसे पहले पन्ने पे होता है पर प्रीफेस हमेशा कोई कोई भी भी राइटर है कोई भी है ऑथर वो लास्ट में लिखता है ताकि जो किताब में लिखी गई है चीजें उससे मैच कर सके लिए स्टेटमेंट टू आपका इनकरेक्ट होगा ऑल राइट right, तो चलिए दोस्तों यहां पर ये यह आठ क्वेश्चन भी हमारे जो है डन हो गए आई होप वंस अगेन आपको मजा आया हो और काफी कुछ सीखने को मिला हो रिवाइज करने को मिला हो इसी तरह से बढ़ते रहेंगे आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है Uh, अपने लिए नहीं मेरे लिए आपने शेयर करना है क्योंकि इंकरेजमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्ले आपके लिए आपके स्क्रीन पर सामने हैं वो जरूर देखिए ई पी में आपको काम आएंगी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऑल द बेस्ट एंड बाय